टाइम पे मैं हूँ आपका गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी में आया हूँ। 4 to 5 days 4 to 5 days यहाँ पे इनको स्टे करना है। ओके, मतलब आज से ये भिक्षु बन चुके हैं सारे। भिक्षुनी साल में होता है लगातार एवरी ईयर। आपका गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पे था ना, तो आज यहाँ पे ना कुछ लोग मतलब इस तरीके से अपनी मर्जी से भिक्षु बन रहे हैं। तो ये लोग आज ही भिक्षु बने हैं। दूसरी बार नेपाल में, दूसरी बार ही है। इससे पहले कब बने थे? बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे वो आगे वाला है। और बुद्ध की माता वाला टेंपल कहाँ पे है? माता हुई है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। अच्छा, 11। तो सम्राट अशोक का ना ये पूरा महल था, उसके स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पर जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनकी माता ने ना उनको इधर नहलाया था। ये आपका गौतम बुद्ध के पिता को एक पंडित ने पहले ही सन्यासी कह दिया था कि तेरा बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। रास्ते में उनकी माता ने उनको जन्म दिया था। सम्राट अशोक का जो स्मारक है ना, वो भी मेरे बिल्कुल ठीक सामने है। Hey guys, welcome back to another YouTube video। तो मैं रोहित पहाड़ी आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी इस टाइम पे मैं हूँ आपका गौतम बुद्ध की जन्मस्थली आपका मैं लुम्बिनी में आया हूँ। और लुम्बिनी में यहीं पे इस स्मारक के अंदर ना एक स्ट्रक्चर है जो इसे सम्राट अशोक ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना बचपन गुजारा है। वो पीपल का पेड़, वो सारी चीज़ें जो उस समय की थी, वो सब चीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं रोहित पहाड़ी इस नेपाल की यात्रा में पहुंचा हूं लुम्बिनी शहर में। तो लुम्बिनी का ये गौतम बुद्ध जी का ये पूरा सारा जो जानकारी है, इसे बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पे हम पहुंचे कैसे, कैसे यहां पे सफर की शुरुआत हुई। पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो बुटवल से मैं आ गया था लुम्बिनी, और लुम्बिनी का पूरा बाजार और लुम्बिनी का पूरा एरिया मैंने आपको दिखा दिया था। और अभी आपने हमारा इंट्रो देख लिया होगा, तो हमने आपको बता दिया होगा कि हम आए हैं आपका गौतम बुद्ध की जन्म स्थली में। तो सफर की शुरुआत हमारी हुई थी यहां से, क्योंकि तो आपको आज इस ब्लॉग में मैं घुमाने वाला गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, गौतम बुद्ध की जो माता है उनका मंदिर माया मंदिर, और आपका जो गौतम बुद्ध का जो आपका पिताजी का घर है ना, वो यहाँ से 25 किलोमीटर आगे है। सामने ही आपको एक स्मारक दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद ना बहुत सारी मॉनेस्ट्री चालू हो जाएंगी। तो आज के ब्लॉग में अपना प्यार देना भूलना मत, क्योंकि अभी हमारी चल रही नेपाल की यात्रा। और नेपाल की यात्रा का ये ब्लॉग नंबर कौन सा है वो तो आप नीचे टाइटल में और थंबनेल में देख लीजिएगा। फिलहाल आपको मैं आज लेके जाने वाला हूँ गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान की ओर, क्योंकि वहाँ पे ना कम से कम कितने हजार साल पहले की वो स्मारक है जहाँ पे सम्राट अशोक का जो हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह है ना, उसका स्मारक भी आपको देखने मिला। और बैक साइड को जब मैं चलता हूँ ना तो मेरा ब्लॉग और उतना अच्छा होता रहता है। चलो अभी चलते हैं स्मारक की तरफ। तो भाई हम लोग आपका आ गए मॉनेस्ट्री वाले गेट को पार करके, और यहाँ से हम आपका स्वामी महाराज बुद्ध विहार नाम से शायद, मेरे ख्याल से ये भी एक मॉनेस्ट्री है। यहाँ बाट पानी माया देवी मंदिर जान संकिच्छा, दिस वे आल्सो कैन रीच माया देवी टेम्पल। रास्ता जो है ना आपका, ये वाला रास्ता जो माया देवी मंदिर है वहाँ को जाता है, और अंदर शायद माया देवी मंदिर ही है। माया देवी कौन थी? बुद्ध की माता जी थी, बुद्ध भगवान की जो कहते हैं माता जी है, उनका मंदिर यहाँ से अंदर को ही है। पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, हमको तो एक याली लैंग्वेज समझ में आ रही है हिंदी और एक आ रही है इंग्लिश, बाकी अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो मेरे समझ में तो बस सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आ रहा है, बाकी चाइनीज़ में, पता नहीं कौन नेपाली में, बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये माया देवी मंदिर का रास्ता है, तो मैंने माया देवी मंदिर वाले जो रास्ता है इसमें अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पर लिखा माया देवी मंदिर जाने बाटो, और मेरे ख्याल से ये वाला टेम्पल ही माया देवी मंदिर होगा। तो हम लोग ना आपका अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले ना मॉनेस्ट्री के अंदर आते ही सबसे पहले एक टेम्पल मिलता है आपका बुद्ध भगवान का जो टेम्पल है, और ये टेम्पल आपका आज से 53 साल पहले बनाया है। और नेपाल में एक मलंग वैली थी, मलंग वैली के जो राजा थे ना उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो सबसे पहले जो मॉनेस्ट्री पड़ती है बुद्ध टेम्पल, उसका नज़ारा कैसा है ये आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। अंदर बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो अभी हम इस बुद्ध टेम्पल से निकलते हैं अंदर मॉनेस्ट्री की तरफ, और अंदर देखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें, धूप लग रही तो मेरी आंखें ना बिल्कुल बंद सी हो गई हैं, तो आप समझ जाना। तो मैं गॉगल लगा लेता हूँ यार, वरना अपने को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बुद्ध टेम्पल से आगे आने के बाद ना एक दूसरा यहाँ पर कुछ और चीज़ दिखी हुई है, राजकीय बुद्ध विहार लुम्बिनी, और यहाँ पर लिखा है लुम्बिनीमा अवस्थित सभी भद्दा पुरानो मंदिर, शायद सबसे पुराना मंदिर यही लिखा है मेरे ख्याल से। मुझे अगर कोई गाइड मिल जाता ना तो शायद मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता।
सुनिए सुनिए सुनिए, बुद्ध का वो कहाँ पे है जो मेन मंदिर है बुद्ध, जो बुद्धा टेम्पल है वो कहाँ पे है? और ये वाला कौन सा है? बुद्ध वाला, बुद्ध जो पैदा हुआ है ना, बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे वो आगे वाला है। और बुद्ध की माता वाला टेम्पल कहाँ पे है? माता वाला भी वही है। माता वाला भी वही है। यहाँ पे कितनी मोनेस्ट्री है आगे आसपास? पता नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा। हीरा, पूरा नाम क्या है? हीरा बिक्रम। हीरा बिक्रम बिकर। हीरा बीका। आप कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल के रहने वाले हो? नेपाल के। अच्छा, यहीं आसपास कहीं रहते हो? आपका नाम क्या है? संदेश सिंह। संदेश सिंह। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 11। आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। अच्छा 11। तो आप यहीं पर रहते हो आसपास में, इसी मोनेस्ट्री में रहते हो ना? तो यहाँ पर एक तो हमने वाला मंदिर देख लिया है और ये वाला देख लिया। अभी आसपास जाने का और क्या क्या घूमने के लिए है यहाँ पे, मतलब देखने के लिए भगवान बुद्ध का? अच्छा, आप इतना हल्के हमेशा बोलते हो या आप अभी हल्के बोल रहे हो? ओके ठीक है, थैंक यू। तो अभी ना मैं आपका लुम्बिनी में हूँ और लुम्बिनी में मैं घूम रहा हूँ मोनेस्ट्री। और मोनेस्ट्री घूमते घूमते ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मिल रहे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो इनसे बात करके ना मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी मोनेस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं। तो इनका नाम है संदेश सिंह और आपका नाम क्या है? हीरा। हीरा सिंह। अभी मैं यहाँ पे मोनेस्ट्री में बहुत सारी जगह घूमने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों से मुलाकात हुई है मेरी, तो अभी धीरे धीरे आगे जाऊंगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे देखने के लिए भगवान बुद्ध के बारे में और क्या क्या है। तो चलो अभी चलते हैं लुम्बिनी में अंदर की तरफ। जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो आपका टेंपल है बिल्कुल यहाँ इधर सामने। तो यहाँ जाने से पहले ना आपको हाथ और पैर धोने पड़ेंगे और एक पर्ची कटानी पड़ेगी। आपका नेपाली रुपये में आपका 65 रुपीस पड़ेगा। तो भाई हमने आपका बुद्धा टेंपल में जाने के लिए ना आपका इंडियंस के लिए 64 रुपीस का चार्ज है। तो हम लोगों ने दो लोगों ने ये चार्ज ले लिया है, तो टिकट ले लिया। अब चलते हैं बुद्धा टेंपल के अंदर। अब तो यहाँ पे ना ये जो एरिया है आपका गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है ये इसके अंदर है, वहाँ कैमरा अलाउड है नहीं, तो इसके बाहर से आपको बता रहा हूँ। तो सम्राट अशोक का ना ये पूरा महल था, उसके स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पर जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उनकी माता ने ना उनको इधर नहलाया था। ये आपका पानी का जो पोखरा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेरे पीछे आप सब कुछ देख रहे हैं ना, ये आपका गौतम बुद्ध जी का जो जन्म स्थान है वो था। और लेकिन जो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना वो हिंदुस्तान भारत में आके हुई थी। यहाँ से पास में ही आपका गोरखपुर वाला बॉर्डर है, उसके बाद हिंदुस्तान लग जाता है। और आपका गौतम बुद्ध के पिता को एक पंडित ने पहले ही सन्यासी कह दिया था कि तेरा बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और घर परिवार सब छोड़ देगा। लेकिन गौतम बुद्ध के पिता ने उनको ऐसे ऐसो आराम महलों में रखा था ना, जिसके चलते वो चाहते थे कि कभी भी मेरे बेटे को दुख का पता ना चले कि दुख क्या होता है सुख क्या होता है। वो मतलब इस चीज़ में मतलब वो भोग विलासों में ही रहे ताकि वो कभी बैरागी ना बने, कभी बाबा ना बने। लेकिन किस्मत को कोई और मंजूर था। एक दिन आपका जब गौतम बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे, पहले आपके वो सिद्धार्थ नाम था उनका, तो वो जब घूमने निकले थे आपका कहते हैं अपने 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 राज्य में, तो पहले उनको एक बीमार आदमी मिला, बूढ़ा आदमी मिला। तो उन्होंने अपने जो मंत्री थे उससे पूछा था कि क्या कहते हैं ये ऐसे झुक के क्यों चल रहा है। और तो उन्होंने बताया था कि एक टाइम बाद ना हर किसी को बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद उसे ऐसे ही चलना पड़ता है। तो ऐसे ही उसने आगे जाने के बाद बुद्ध को ना एक कहते हैं किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी, मतलब किसी का मृत शरीर जा रहा था, उसकी यात्रा में हर कोई रो रहा था। तो उसने पूछा कि ये सब लोग रो क्यों रहे हैं, मतलब बुद्ध ने पूछा कि ये सब लोग रो क्यों रहे हैं और ये आदमी सोकर क्यों जा रहा है। तो उसके ऊपर आपका जो उनके सेनापति थे या जो भी उनके मतलब उनको घुमा रहे थे उस राज्य में, तो उन्होंने बोला कि एक टाइम बाद तो हर किसी को मर जाना है और हर किसी को ये शरीर छोड़कर इस दुनिया से ऊपर जाना है। तब उन्होंने उस टाइम बस वही चीज़ आपका गौतम बुद्ध को क्लिक कर गई, सिद्धार्थ को क्लिक कर गई। और उन्होंने बोला कि अब घर तुम जाओ, मैं अब घर नहीं आऊँगा। जब ना ही ये शरीर रहेगा, ना ही ये परिवार रहेगा, ना ही ये धन महल ये सब कुछ रहेगा, तो फिर इस दुनिया में हमारा है क्या। और उसी पल से जो सिद्धार्थ थे, राजा सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भारत की तरफ निकल गए और फिर जाके वो बन गए आपके गौतम बुद्ध, जिनको आज आप गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और मैं अभी गौतम बुद्ध की जन्म स्थली में हूँ। और ये जो सामने आपको पानी का जो तालाब दिखाई दे रहा है, ऐसा बोलते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो दाई माँ ने उनको यहीं पर नहलाया था, ये उनका तालाब है।
बोलते हैं कि जब गौतम बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था, उनका जन्म ना ऐसे किसी घर में नहीं हुआ था, रास्ते में उनकी माता ने उनको जन्म दिया था। और जब उनको जन्म दिया था ना, तो इस तरीके से यहाँ पे पीपल का पेड़ हुआ करता। जब उनको प्रसव पीड़ा हो रही थी, मतलब जब बच्चा पैदा होने के टाइम पर जो दर्द होता है ना, वो दर्द उनको महसूस हो रहा था, तो उन्होंने वो पीपल के पेड़ की टहनी पकड़ी थी और यहाँ इस जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर गौतम बुद्ध को उन्होंने जन्म दिया था। और वो जो पीपल का पेड़ है, आज वो पीपल का पेड़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जो राजा, उसके बाद कुछ सालों पहले जो यहाँ पर राजा हुआ करते थे, उन्होंने उस पीपल के पेड़ के ना इतने छोटे छोटे टुकड़े करके करोड़ों में उसे बेच दिया, वरना वो पीपल का पेड़ भी आज यहाँ पर होता, जिस पीपल के पेड़ को पकड़ के ना उनकी माता ने उनको जन्म दिया था। तो यहीं पर उनका खेल कूद बचपन पूरा यहीं पर बीता है। क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम बाद ना ये सब चीज़ें, मतलब जो स्ट्रक्चर था पूरा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उस टाइम पे तो महल हुआ करते थे। जब एक काल आया सम्राट अशोक का, तब उन्होंने, उनको पता चला कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म यहाँ हुआ था, तो उनके टूटे हुए महल के उस स्थान को उन्होंने, बाकी सब तो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन जहाँ पर उनका जन्म हुआ था ना, वो वाले एरिया को उन्होंने प्रोटेक्ट करके बचा के रख लिया, वो इसके अंदर है। तो मैं आपको बता रहा था ना कि सम्राट अशोक ने ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको प्रोटेक्ट किया था। तो सम्राट अशोक का जो स्मारक है ना, वो भी मेरे बिल्कुल ठीक सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका सम्राट अशोक का स्मारक। इस तरीके से ये स्मारक है पूरा। हम लोग ना यहाँ पे अभी गौतम बुद्ध जी के जो जन्म स्थल है उसके बिल्कुल यहाँ पे बैठने के लिए है। यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, जो भी परंपराएं होती होंगी, मैं तो उससे इतना वाकिफ हूँ नहीं। और यहाँ पे ना मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ चीजें रखी हुई हैं। आपका ये घी के दिए हैं शायद, मेरे ख्याल से ये कुछ घी के दिए हैं, और बहुत सारे दिए यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये पूरा एक लाइन से बहुत सारे दिए रखे हैं। ये शायद डेली बेसिस में रखे जाते हैं या फिर आज कुछ स्पेशल है, मुझे इस बारे में ना इतना पता है नहीं। तो यहाँ पे ना कुछ ढोल नगाड़ों की आवाज़ से सुनाई दे रही है, वो परंपरा क्या है मुझे इसके बारे में पता नहीं है, शायद कोई या तो कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं, उनके सम्मान में ऐसा हो रहा होगा। तो ठीक सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ना मेरे ख्याल से ये लामा लोग हैं या क्या हैं, मुझे इस बारे में पता नहीं है डीपली। तो ना ये मेरे ख्याल से ये कोई पूजा होती होगी या क्या होता है, मुझे ना ये शायद पूछना पड़ेगा किसी से इसके बारे में कि ये सब चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे ना अभी ये लोग शायद मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और ये पूजा का समय है मेरे ख्याल से, मतलब स्मरण का समय है गौतम बुद्ध का, इसलिए सब लोग यहाँ से जा रहे हैं इस समय गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान की तरफ। तो ऐसा कुछ है नज़ारा यहाँ से अभी। यहाँ से अभी पूजा का समय है ना मेरे ख्याल से, पूजा के लिए जा रहे हैं आज, कुछ खास है आज वो भिक्षुनी बन गए। अच्छा, ये सारे लोग ये हाँ। सारे लोग भिक्षु बने आज, आज भिक्षुनी बने। अच्छा, आज से पहले ये भिक्षुनी होंगे, ये नए इस बार के। तो ये जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं ना, तो आज यहाँ पे ना जो लोग पीछे आपको रेड कलर के ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोग आज ही भिक्षु बने हैं। तो ये इस तरीके से, मतलब उसकी वो यात्रा होती है जिसमें नेपाल में दूसरी बार हुई है, इससे पहले कब बने थे? दो साल पहले, लास्ट दो एक साल पहले। तो एक साल पहले था, तो मतलब कहने का मतलब है कि आज भिक्षु दिवस भी आप समझ सकते हो कि आज के दिन इस तरीके से ये सारे लोग आज भिक्षु बन चुके हैं। ये लोग आज के बाद कहते हैं यहीं रहेंगे, अपने घर रहेंगे? बिहार में रहेंगे, बिहार मींस टेंपल में। अच्छा, टेंपल में रहेंगे, तो इन्होंने आज से घर छोड़ दिया अपना?
as only for 5 days है ना, it's 28 है ना, 28 दिन के लिए घर नहीं जाएंगे बताओ, only for 5 days, 5 or 6 days, 5, 4, 6 days के लिए अपने घर नहीं जाएंगे, उसके बाद जा सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं, तो फिर घर पे रहेंगे या फिर यहाँ रहेंगे, basically 4 to 5 days, हाँ जी, 4 to 5 days, 4 to 5 days, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, yeah, okay, मतलब आज से ये भिक्षु बन चुके हैं सारे, भिक्षु नहीं तो ये कितने साल में होता है लगातार? Every year मतलब अच्छा भिक्षु बनते हैं लोग मतलब हाँ. तो ये अपनी इच्छा से होते हैं सब लोग ना? अच्छा ठीक ठीक. तो ये आज मैं जो अभी आपका आपका गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पे था ना, तो आज यहाँ पे ना कुछ लोग मतलब इस तरीके से अपनी मर्जी से भिक्षु बन रहे हैं, तो ये उनकी एक परंपरा है इस तरीके से अपने को मतलब भिक्षु बनाने के लिए. और इसके बाद ना आपका 28 डेज के लिए ये लोग यहीं पर रहेंगे, उसके बाद ये लोग अपने घर जा सकते हैं, ऐसी कुछ मतलब परंपराएं हैं. तो मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज के दिन मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा, मैंने सुना था, पढ़ा था ये सब चीज़ें, बड़ा लाइव देख लिया कि किस तरीके से लोग मतलब, मैं सच में आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो कि मैं इस तरीके से देश और विदेश की यात्राओं पे लगातार निकलता रहता हूँ और बहुत कुछ जानने का मुझे मौका मिलता रहता है. तो अभी चलते हैं मॉनेस्ट्री, बहुत सारी है यहाँ पे देखने के लिए. ये गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस था, इसके बाद जहाँ गौतम बुद्ध का नैनीहाल और उनके आपका पिताजी का घर है ना, वो बहुत सारी जगह हैं, शायद आज पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आज दिखाऊंगा, वरना मैं आज की रात लुम्बिनी मैं ही हूँ, वरना मुझे आपको वो सब चीज़ें कल दिखानी पड़ेंगी अलग अलग ब्लॉग में अलग अलग मॉनेस्ट्री के साथ.